देवरिया से नशे की हालत में एक युवक ने किया सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आज गोविंद कुमार सोनी रामपुर निवासी ने सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो वायरल कर दिया जो बहुत तेजी से जागरूकों तक पहुंच रहा है। मैं राजू सोनी, ग्राम रामपुर, तहसील पिपरिया, जिला औरंगाबाद का निवासी हूँ। मेरी लुवाई के कारण, मेरी लुवाई की मम्मी, उसके पापा, उसके बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बड़े भैया के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और राकेश यादव, मुकेश गोस्वामी, जीतू पुरभिया निवासी पनारी, प्रदीप राजपूत निवासी रामबिलास कॉलोनी, वो करता है श्याम डिस्ट्रिक्स पर से काम, उनके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अरविंद कुमार सोनी, ग्राम रामपुर, तहसील पिपरिया, मकान नंबर 126। इतना मेरी लाइफ की है। समैया ड्रेसेस, पूनम ड्रेसेस, ये मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, इसलिए आज मैं जहर पी रहा हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी सास, मेरी बड़ सास, मेरे बड़े ससुर, मेरी बड़ी मम्मी, मेरे बड़े साले, मेरे दोस्त सब रहेंगे। जागरूक कौन है? वरिष्ठ अधिकारी पुलिस पिपरिया एसटीओपी शुभेंदु जोशी एवं मंगलवारा थाना प्रभारी अजय तिवारी को सूचना दी। सूचना पर तत्परता से वीडियो को संज्ञान में लेते हुए चीता आरक्षक महोदय दायमा एवं राम मोहन रजक को व्यक्ति की तलाश के लिए भेजा गया। महज एक घंटे के अंदर ही तलाश कर मंगलवारा थाने लाया गया, जहां पुलिस द्वारा पूछताछ पर गोविंद सोनी ने बताया कि मेरे ऊपर 5 से 6 लोगों का कर्ज है जो मुझे परेशान करते हैं और इसी कारण मेरा मेरी पत्नी से झगड़ा होता रहता है, जिसके चलते परेशान होकर आज मैंने आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने घर वालों एवं पारिवारिक जनों के सुपुर्द कर युवक को अपने घर के लिए भेज दिया है। युवक काफी नशे की हालत में था और थाना परिसर में भी अधिकारियों के साथ बदतमीजी से बात कर रहा था, लेकिन युवक की हालत को देखते हुए पुलिस ने मानवीयता का परिचय देते हुए युवक को परिजनों को समझाइश दी। हालांकि पुलिस वालों ने घर वालों एवं पारिवारिक जनों के सुपुर्द कर युवक को अपने घर के लिए भेज दिया। युवक काफी नशे की हालत में था और थाना परिसर में भी अधिकारियों के साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन युवक की हालत को देखते हुए पुलिस ने मानवीयता का परिचय दिया और युवक को एवं परिजनों को समझाइश दी। युवक ने रामविलास कॉलोनी हाथवास निवासी और पनारी निवासी एवं कपड़ा व्यापारियों के नाम ही बता रहा था कि इन लोगों का मुझे कर्ज देना है, जिस कारण से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मानसिक प्रताड़ना हो रही है। इस पूरे मामले में चीता आरक्षक मनोहर दायमा एवं राम मोहन रजक की बेहद प्रशंसनीय कार्यशैली रही, जिसके चलते काफी कम समय में युवक को अपने परिजनों से मिलाया गया। परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया। पैसे लिए मैं सबके दे चुका हूँ। कौन के पैसे लिए? प्रदीप राजपूत, उससे मैंने लिए 30,000 रुपए, उसको 40,000 में दे चुका हूँ जी। वो कह रहा है मुझे 20,000 और चाहिए, हाँ नहीं तो मैं दुकान पे आके मारूंगा। जित्तू पुरभिया, उसके 10,000 थे, उसको मैं 3,000 रुपए महीने दे रहा हूँ बाकायदा जी। 7,000 बचे हैं। अब वो कह रहा है 5 चाहिए, मैं कहाँ दूँ, नहीं है मेरे पास। हर महीने में दे रहा हूँ उसको, बुला के फोन करके दे रहा हूँ, ले जा ठीक। उसके बाद कप्तान रघुवंशी के 3,000 रुपए हैं, उसको मैं चार्ज अब दे देता हूँ बुला के। वो कह रहा है 7,000, उसके 3,000 रुपए हैं, उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके बाद में समैया वालों के पैसे हैं, वो कह, उनने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन वो सामने से निकलने देते मुझे। उसके बाद घरवाली परेशान करती, मुझे 3,000 रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई ले लेना कल, मेरे जेब में रखे उसको देने के लिए, लेकिन घर छोड़ कर भाग आई, ये कौन सी बात है? सास से बोला, सास बोलती मार के फेंक दो मुझे, कोई मतलब नहीं। खबर भारत वर्ष के लिए नर्मदापुरम पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।